कि क्या भारत की चलेगी, अगर भारत कोशिश भी करेगा तो चलेगी और मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं? देखिए श्वेता, आई हैव गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आप इंडिया और रशिया के रिलेशंस देखेंगे, उनका ट्रेड देखेंगे, इट इज नॉट ओनली डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत काफी इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया की। और जो इसको रशिया से हम इसको ले रहे हैं, तो इट इज समथिंग लाइक, एक कहावत है, मरता क्या ना करता। अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या डिक्टेट करता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को उसका नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट करता है। और उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को बरकरार रखना, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड आर इकोनॉमी हैज सफर्ड अ लॉट, सो वी वांट टू रिवाइव द इकोनॉमी। अभी इसको वर्ल्ड बैंक हमारी जो इसको जीडीपी की स्टेटस और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 9% तक लेके इसको प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हम ये अपना 9% कैसे रखेंगे? दैट इज व्हाई इस रशिया के अगेंस्ट हम एक बिल्कुल ओपन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं ले पा रहे बिकॉज 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज ऑफ रशियन ओरिजिन, और जो उसके स्पेयर्स है ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले वक्त में हमारा जो स्पेयर सपोर्ट है, T-72 टैंक, T-90 टैंक्स, सुखोई एयरक्राफ्ट्स, ये जो सारे रशिया ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हमारे पास है, तो जो हमारी फौज की टीथ है, एंड स्पेशली चाइना हमारे डोरस्टेप पे खड़ा हुआ है आज, क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि वो रशिया के अगेंस्ट कोई स्टैंड ले सके? तो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज आपको देखनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंडिया इज नॉट रीच दैट स्टेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के इंडिया स्पेशली सुपर पावर्स की सोच को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एट द मोस्ट इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है, अपने रिलेशन इस्तेमाल कर रहा है। व्हाई आर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर टुडे? उसको इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज ही अंडरस्टैंड फॉरेन रिलेशंस मोर देन एनीबडी एल्स, एंड ही हैज बीन एम्बेसडर इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो ही अंडरस्टैंड द यूएस। एंड जयशंकर के आने के बाद आपने इसको देखा होगा, टिल्ट हुआ है इंडिया इसको यूएस की तरफ। हमारे चाइना बॉर्डर पर जब हमको इक्विपमेंट चाहिए था, पूरा अमेरिका से आया हमारे पास, वहां पे अपैची जो आया हमारे पास, आयल एयरक्राफ्ट आए हमारे पास, हवाइजर्स आए। सो ये सारी अगर आप सिनेरियो अभी इस देखेंगे, व्हेन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, हाउ कैन इंडिया डिक्टेट टू देम? सो ये चीज भी आपको ओवरऑल अपने सिनेरियो में सोचनी पड़ेगी। जिल से ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भारत की बात क्या यूक्रेन और रूस दोनों सुनेंगे? देखिए, मेरा बिना लाभ लपेट के ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, 100% जानी चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको तथ्य रखता हूँ। हम यदि छोटे चीज में पढ़ेंगे तो छोटा ही बन के रहेंगे, कभी बड़ा नहीं बनते। देखिए, आप इनको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। लावरोव सब आते हैं और वो जाते हैं चाइना फर्स्ट। चाइना में वो कहते हैं, एक मैसेज दे के आते हैं, केवल एक मैसेज और पूरे विश्व के लिए, कि जो वर्ल्ड वॉज ट्राइंग टू बिकम ए यूनिपोलर और बाईपोलर, वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम ए मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वर्ल्ड उसने यूज किया है चाइना की धरती से, जो चाइना के बरखिलाफ। उसके बाद भारत में आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ मध्यस्थता कीजिए, और पुतिन साहब का मैसेज लेके आते हैं। देखिए, चीज को समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका। मैं बार बार कहता हूँ, उसने बहुत अच्छा गेम खेला है ऑफ स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट। उसको छोटा मत बनाइए, हथियार का जीत बहुत उसकी जीते कि हथियार बेचेगा। दूसरा स्ट्रेटजिक पार्टनर हमारा सबसे बड़ा रिलायबल रशिया है, इक्वल, ठीक है। और इंडिया बैलेंस इसको बहुत अच्छी तरीके से किया है। 5 UN रेजोल्यूशंस हुए, 5 में एब्स्ट्रैंड किया है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट रशियंस, एंड क्लियरिटी उसने UN पक्ष में 2 रखे हैं। उसने कहा है, सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन कांट बी इग्नोर्ड इन द फेवर ऑफ रशिया। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नाटो नहीं बढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा उसका कंसर्न है।
दूसरा सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फेवर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेनियन जो जेलेंस्की हैं उसके बाद उन्होंने बात की थी। आज के दिन में कोई शक्ति पूरे विश्व में देख लीजिए, यदि आप पूरे को पढ़ती हैं, चाहे यूरोप को देखिए, एंग्लो सैक्सन्स की पावरों को देखिए, पैन यू नो अमेरिकन्स को देखिए, जो नीचे हैं साउथ अमेरिकन्स, कैनेडा, किसी को नहीं, किसी के पास ये पोजीशन नहीं है। आप भारत को बहुत छोटे आंक रहे हैं और भारत को आप ये सोच रहे हैं कि हमारा $3 trillion की इकोनॉमी नहीं, वो $22 trillion की है, वो 16, इन चीज़ों में नहीं होगा। जिस तरह से गलवान में हुआ था, ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी मिलती हैं। या तो आप रह जाइए मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आप कभी नहीं, आप पिछड़ लग गई, या तो अमेरिका के साथ लग जाइए या रशिया के साथ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इंडिया ने 38 दिन के वॉर में निकल के आया है। 22,000 लोगों को, आप तो वहां रही, 22,000 इंडियन डायस लोगों को लेकर आना, इट इज नॉट ए जोक, किसी कंट्री ने नहीं कर पाया।